से रूबरू कराता। ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं छवि वर्मा, आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश। ग्राम कुसेना में बुखार खांसी जैसे लक्षण से पीड़ित महिला 3 दिन से बेबस। परिजनों ने स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई नंबरों पर किया फोन, लेकिन फिर भी नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है, लेकिन मैनपुरी का स्वास्थ्य विभाग अभी भी पूरी तरह अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहा है। ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब सूचना पर पहुंची हमारी पी न्यूज टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण से संपर्क किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। आपके जो आपकी महिला जो परेशान है, उसके बारे में आप, उसके बारे में आपने किसको संपर्क किया, किसी सूचित भी कॉल किया? 112 पे भी कॉल किया, कोई जवाब है? उससे बात करो, उससे बात करो। डीएम साहब का भी लगा रहे, उनका भी फोन नहीं उठा। क्या नाम है आपका? लोटन दीक्षित। किस गांव के निवासी आप? ग्राम सुरक्षा मित्र के टीम से हैं। क्या समस्या है इधर यहाँ पे? समस्या वही है, कुछ लक्षण हैं इनको दिखाई दे रहे हैं, कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपने सूचित किया किसी को? सहायता ली किया है, फोन किया है, वो एक दूसरे को पड़ताल रहे हैं। किसे किसे सूचित किया आपने? 108 112। डीएम साहब को भी किया, बताया नजदीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, वहाँ कन्फर्म कराए जाते। हेलो, क्या नाम है आपका? मीनू। कितने दिन से परेशानी है आपको? कब से बुखार आ रहा है? परसों से। परसों से? क्या क्या समस्या आ रही है? खांसी, जुकाम, सांस ना ले जा रही, सांस नहीं ले पा रही। आपने फोन किया स्वास्थ्य विभाग को अभी तक? जैसा कि आपने सुना ग्रामीणों ने क्या कहा, अगर ऐसा ही रहता तो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से मिलेगी, आप खुद समझ सकते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना जैसे महामारी को लेकर पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है और दूसरी तरफ भारत सरकार जनता को बचाने के लिए घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कर रही है, लेकिन मैनपुरी की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आइए देखते हैं डॉक्टर आरपी सिंह का इस पर क्या कहना है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, बात हो गई थी आपकी पुसेना? क्या है? किन से? पुसेना से। हाँ, पुसेना वाला नोट करा दिया, कुचेला वो सुल्तानगंज में है, MIC को भी बोल दिया। अच्छा, तो पहुँच गए डॉक्टर साहब वहाँ पे? नहीं, टीम जाएगी अभी देर में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जी कह रहा था कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ इमरजेंसी में ले आओ, ऐसा कुछ बोला आपने क्या? नहीं, इमरजेंसी में ले आओ तो और अच्छा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है देखो, मरीज है, आदमी घबराता है ना इस समय, वैसे भी थोड़ा आप समझ रहे हैं, है ना? नहीं, तो टीम सुबह 10 बजे टीम निकल जाती है एक्चुअली, जो होती अच्छा, है हमारे अच्छा, पास जो टीम है, जैसे जो नाम नोट हुए, लिस्ट हो गई पूरी इकट्ठी हो गई, तो सुबह निकल जाती है टीम। टीम क्या एक ही है क्या? कितनी बनाई गई है टीम में? कितनी बनाई गई है टीम? ओके, अनिल कितनी टीम है? 46 टीम है। 46 टीम है, तो कोई ना कोई टीम पास में होगी, उसे भिजवा दीजिए, है ना, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि परेशान गांव वाले ज्यादा परेशान है, बताएं आपको दिक्कत ये है। नहीं, बोल दिया, देखिए धीरे बोल दिया, टीम जैसे ही टाइम मिलेगा टीम पहुंच जाएगी उनके यहाँ। नहीं, अधीक्षक को नोट करा दिया गया है। अच्छा, कितनी देर पहुंच जाएगी लगभग? उनसे कह दें, फोन आया था ना उनका मेरे पास, इसलिए बता रहा हूँ। कितनी देर पहुंच जाएगी? नहीं तो एक उनसे काम करिए, या तो 108 नंबर पर कॉल करके देंगे। वो कर चुके, कोई फोन नहीं उठा रहा डॉक्टर साहब, बड़ा परेशान है वो लोग, उनने सबसे कॉल वाले भी नहीं उठा रहे। नहीं नहीं उठा रहे। अच्छा जी जी जी, तो चलिए अभी मैं बात करता हूँ। ओके, पुसेना